पेरिस में झंडे गाड़ने के बाद भारतीय हॉकी टीम आज वतन वापस लौट आई है। भारतीय टीम से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें फूल मालाओं से नवाजा गया और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। देश की 2.09% आबादी वाले हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही कमाल दिखाया। देश को 6 मेडल दिलाने वाली भारतीय टीम में कुल 117 प्लेयर थे, जिनमें से हरियाणा के सबसे ज्यादा 25 खिलाड़ी थे। कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा के 3 खिलाड़ी रहे, जिनमें सोनीपत के अभिषेक, सुमित और हिसार के संजय शामिल हैं। वहीं एयरपोर्ट पहुंचकर सुमित और संजय ने भी अपनी खुशी जाहिर की। सुनिए वतन लौटने पर उन्होंने क्या कहा। सर बड़ा अच्छा लग रहा है, और इंडिया वाले अपना इतना प्यार दे रहे हैं सारे हॉकी प्रेमी, और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। इतिहास रचा आप लोगों ने, 50 साल बाद ऐसा हुआ, लगातार बैक टू बैक हॉकी में मेडल्स आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लिया था, काफी खुशी की बात है। कैसा माहौल है टीम का, कैसे क्या कहना चाहिए? सर माहौल आप देख ही रहे हो, कितना अच्छा माहौल टीम का, और पूरे इंडिया माहौल कैसा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्री दो बार टीम ने ऐसा कारनामा किया है। श्रीजेश का कितना बड़ा रोल देखने, आखिरी ओलंपिक था, सारे प्लेयर्स को वो गाइड करे थे, काफी भावुक भी थे सेमीफाइनल में जब हारे, और उसके बाद जो वेलकम जो उनको फेयरवेल दिया गया श्रीजेश को, गोल कैप्टन ने अपने कंधों पर उठाया। सर फर्स्ट मैच से लेके लास्ट ब्रॉन्ज मेडल के मैच से लेके श्रीजेश ने भाई ने पूरा अपना टूर्नामेंट में बेस्ट दिया है, और आपने सभी ने देखा है उनके बदौलत पूरा हमने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है, क्योंकि हर कंट्री ने इतना बड़ा काम किया हॉकी ने, तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा प्यार करिए, हम और ज्यादा मेडल लेंगे आपको। सर इंजॉय कर रहे हैं, और करने दीजिए आगे। आसान बात नहीं होती है, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल काम है। कैप्टन हरमनप्रीत जो है फ्रंट से आपको लीड कर रहे थे, और श्रीजेश का भी बेहद महत्वपूर्ण रोल था, फेयरवेल भी उन्हें दिया गया, गोल पोस्ट पे भी बैठे, कैप्टन ने खुद कंधों पर उठाया, क्या किस तरह से देख रहे हैं श्रीजेश एक पिलर रहेंगे भारतीय हॉकी टीम के हमेशा? जी हमेशा वो पिलर थे, हमें प्लेयर रहेंगे, और जैसे सारी टीम ने पूरा साथ दिया है श्रीजेश का और हरमनप्रीत का, जैसे फॉरवर्ड्स ने इनके लिए पेनल्टी कॉर्नर बनाए हैं, हरमनप्रीत ने गोल किए हैं, और सीजेस ने बचाए हैं, तो ऐसे टीम गेम तब सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? सेलिब्रेट हमने कर लिया था, मेडल मिल गया था, इंडिया आए हैं, सब सेलिब्रेट कैसे करेंगे? अपने अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे, अपने अपने घरों पे जाएंगे, वहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे सब। बता दें कि भारत ने स्पेन को 3-2 से मात देकर पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी से संन्यास ले लिया। कमाल का प्रदर्शन करने के लिए पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को घोषित किया गया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।